सुपौल में भी डॉक्टरों ने एक दिन का हड़ताल किया। कोलकाता के एनआरएस मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में दो जूनियर डॉक्टरों पर हमला होने और उनके गंभीर रूप से घायल होने के बाद पश्चिम बंगाल में जूनियर डॉक्टर मंगलवार से हड़ताल पर हैं। कोलकाता के घटना के बाद सुपौल में भी डॉक्टरों ने एक दिन के लिए हड़ताल किया। इस दौरान स्वास्थ्य सुविधाएं प्रभावित रहीं। इस हड़ताल में निजी अस्पतालों ने भी भाग लिया। शहर के कई अस्पतालों में आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर ओपीडी नियमित ओटी सेवाएं पूरी तरह बंद रहीं। डॉक्टरों ने मांग किया है जो इस तरह की घटना से बचने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय कानून बनना चाहिए। इन चिकित्सकों के साथ जो दुर्घटना होती है, आक्रमण होता है, जिससे पीड़ित मानव की सेवा शांतिपूर्ण माहौल में भयमुक्त वातावरण में नहीं हो पाता, इससे बचने के लिए हमारा IMA भारत एक निर्णय लिया है कि उसमें जब भारत सरकार एक राष्ट्रीय स्तर पर एक नियम बनावे, कानून, सख्त कानून बनावे, ताकि इस तरह की घटना पुनरावृत्ति ना हो और पीड़ित मानव की सेवा भयमुक्त वातावरण और शांतिपूर्ण माहौल में हो सके। ये पश्चिम बंगाल में जो भद्रतापूर्वक घटना हुई है, चिकित्सकों पर जो आक्रमण हुआ है, और वहाँ का तानाशाही मुख्यमंत्री प्रशासन जो उस दोषी व्यक्ति पर कार्रवाई नहीं हो रही है, ये बहुत ही दुखद स्थिति है। इससे सरकार का मनसा जाहिर होता है। हम लोग इसकी तीव्र भर्त्सना करते हैं और मांग करते हैं कि अविलंब वहाँ के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी आके चिकित्सकों से बिना शर्त माफ़ी मांगे और ये दोबारा ये घटना नहीं हो, इसकी गारंटी सुनिश्चित करें। डॉक्टर जितेंद्र कुमार सिंह, पूर्व अध्यक्ष IMA सहरसा। कब तक हड़ताल जारी? और सेक्रेटरी कोसी कमिश्नरी IMA सहरसा। हड़ताल कब वर्तमान में? हड़ताल ये सुबह 6 बजे, 17 तारीख के सुबह 6 बजे से 18 तारीख के सुबह 6 बजे तक ये इमरजेंसी सेवा को छोड़ के मुक्त किया गया है, बाकी सब बाधित हो गए। बंगाल के पश्चिम बंगाल के नीलरत्न सरकार मेडिकल कॉलेज में दो इंटर्न डॉक्टर परिभा बनर्जी और डॉक्टर, एक का नाम याद नहीं रख है, चंद्रमोहन है, दोनों को एक 85 साल के बुजुर्ग की मौत के बाद भीड़ द्वारा बुरी तरह से मारा गया और दोनों अभी भी ICU में भर्ती हैं और उनकी स्थिति नाजुक है। आज जो डॉक्टर्स के ऊपर बार बार ये हमले हो रहे हैं और सरकार बिल्कुल चुप्पी साधे हुए बैठी हुई है। बार बार हम लोग की मांग थी कि क्लिनिकल प्रोटेक्शन एक्ट के तहत काम किया जाए, जो सरकार ने लागू भी किया लेकिन प्रशासन उसको लागू करने को तैयार नहीं है कहीं भी, और जिसके कारण आए दिन डॉक्टरों पे हमला हो रहा है। अब लग रहा है कि हमको भी मतलब कि पुलिस की तरह ही राइफल लेकर के प्रैक्टिस करना पड़ेगा अगर सरकार नहीं चाहेगी। और ये अंतिम हम लोग की लड़ाई है, इसके बाद हम लोग डॉक्टर नहीं रहेंगे, डॉक्टर के साथ साथ अपनी सुरक्षा खुद करेंगे और स्थिति और ज़्यादा विस्फोटक होगी, नहीं तो सरकार इस पर कार्रवाई करे। और ये एक देशव्यापी हड़ताल है, मैं आपको बता दूँ, देशव्यापी हड़ताल है, पूरे देश आज बंद है। दिल्ली के एम्स, PGI, चंडीगढ़ से लेके छोटा सा क्लिनिक तक बंद है और ये एक अभूतपूर्व बंद है IMA की तरफ से। बगहा में नारायणी गंडकी माता की 62वीं भव्य महाआरती का आयोजन किया गया।